मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. इन दिस चैप्टर आई विल टेल यू द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव. अर्लीस्ट पीपल क्यों हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter-gatherers. अब हम उनको क्या बोलते हैं? Hunter-gatherers कहते हैं उनको हम. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fishes and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. That's why we call them hunter-gatherers. क्योंकि वो animals को hunt करते थे, fish पकड़ते थे, birds पकड़ते थे, fruits इकट्ठा करते थे, fruits, nuts, seeds, eggs, everything. Hunter gatherers move from place to place. There are many reasons for this. बहुत सारे कारण हैं जिससे hunter gatherers एक जगह से दूसरी जगह move करते थे. First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. क्या अगर वो एक ही जगह स्टे करते, एक ही जगह रहते, तो बहुत लंबे समय के लिए अगर वो एक ही जगह पर रहते तो जितना भी वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल जितने भी रिसोर्सेज होते वो सारे सारे खा के ख़त्म करते थे. इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह फूड की सर्च में, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. Second, animals move from place to place, either in search of smaller prey or in the case of deer and wild cattle, in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. Second point जो है वो उसमें animals जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. क्यों? क्योंकि वो किसके सर्च में? स्मॉलर प्रे, अपने शिकार के तलाश के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. क्या शिकार करते थे वो? डियर, वाइल्ड कैटल शिकार करते थे, और ग्रास की सर्च में और लीव्स की सर्च में. इसलिए वो जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो इनको हंट करते थे, जो उनका शिकार करते थे, वो इनके मूवमेंट्स को फॉलो करते थे. इसलिए वो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो भी उन एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स. सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स. अब प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं वो हर एक सीज़न में अलग अलग फ्रूट्स हमें मिलते हैं. हर एक सीज़न में प्लांट्स और ट्रीज हमें फ्रूट्स देते हैं, ठीक है. सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीज़न टू सीज़न. इसलिए लोग जो हैं सीज़न टू सीज़न मूव करते थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की खोज के लिए, उसके सर्च के लिए. फोर्थ है पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. पीपल और प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए. वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. वाटर कहाँ मिलता है? लेक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स में. वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनल विद वाटर थ्रू आउट द ईयर. पेरेनल होता है जिसमें पूरे साल वाटर रहता है, और अदर आर सीजनल. सीजनल मीन्स
जिसमें बहुत सीजन सीजन में ही पानी रहता है, बाकी टाइम वो सूखी रहती हैं। जैसे रेनी सीजन में उनमें पानी रहेगा और बाकी ड्राई जब होगा तो वो सूख जाएंगी। तो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। जब ड्राई सीजन होता था तो वो उस जगह पे चले जाते थे, उस वहाँ का सर्च करते थे जहाँ पर पानी होता था, वहाँ पर वो उस नदी के किनारे पर रहना शुरू कर देते थे। कौन से सीजन में? ड्राई सीजन, विंटर और समर में वो वहाँ से चले जाते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ दीज थिंग सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। कुछ आर्कोलॉजिस्ट को मिला जब कि हंटर गैदरर्स ने क्या क्या चीज़ें बनाई और क्या चीज़ें उन्होंने यूज़ की। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, स्टोन, वुड एंड बोन। अब उन्होंने क्या बनाए? पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। उन्होंने क्या बनाए? स्टोन के औजार बनाए और वुड के बनाए और बोन्स के बनाए। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट? इनमें से उन्होंने तीन तरह के औजार, तीन तरह के बनाए थे, देखो, स्टोन, वुड और बोन के। बट उनमें से स्टोन टूल्स जो अच्छे से सर्वाइव कर पाए, उनको सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो स्टोन टूल। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। स्टोन टूल्स किस लिए यूज़ होता था? वो किस लिए यूज़ करते थे? मीट और बोन को काटने के लिए, हड्डियों को काटने के लिए मीट को। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, ट्रीज में जो बार्क होती है उसको काटने के लिए। हाइड्स, एनिमल स्किन्स को काटने के लिए। चॉप फ्रूट एंड रूट्स, फ्रूट और रूट्स को चॉप करने के लिए वो उस स्टोन टूल्स का यूज़ किया करते थे। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। अब उन्होंने क्या किया कि उसमें हैंडल्स लगा दिए, उन्होंने अटैच कर दिए किसके? बोन और वुड के, ठीक है। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, सच वॉज यूज एज फायर वुड। अदर जो टूल्स थे वो वुड को चॉप करने के लिए यूज आए, सच एज फायर वुड। फायर वुड मतलब आग जलाना, जो फ्यूल होता है उसकी तरह उन्होंने वुड को यूज़ किया। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। अब उन्होंने वुड को किस किसके लिए यूज़ किया? हट्स बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए। देखिए, ये स्टोन्स हैं, स्टोन का टूल बना हुआ है, दे आर यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स।